नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंश। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था FOGX GFX के बारे में, कॉन्सेप्ट देखा था, कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में हमने देखा था, और अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, वो FX दिया हुआ है साइन एक्स, और जी एक्स दिया हुआ है फाइव एक्स स्क्वायर। फाइंड जी ओ एफ। आप इस क्वेश्चन में जी ओ एफ फाइंड कर दें, जी ओ एफ, ठीक है। जी ओ एफ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस बार फिर से बताता हूँ। जी ओ एफ इज इक्वल टू जी ओ एफ, ब्रैकेट में हम एक्स लिख देंगे, जी ओ एफ एक्स बन जाएगा, फिर ओ हटा देंगे तो ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स। साइन एक्स मैंने रख दूंगा यहाँ पे एज इट इज, तो जी ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पे कहते हैं जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम साइन एक्स से एक्स को रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा, फाइव एक्स स्क्वायर था तो क्या आएगा, एक्स ही साइन एक्स आ जाएगा, तो फाइव साइन एक्स का होल स्क्वायर। फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइव साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हमने इसको जी ओ एफ निकाल दिया। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्या किया, जी ओ एफ मैंने लिखा, जी ओ एफ के बाद ब्रैकेट में एक्स लगा दिया, जी ओ एफ ब्रैकेट में एक्स, फिर इसके बाद जी ब्रैकेट में एफ एक्स, फिर एफ एक्स मैंने वैल्यू पुट कर दी, जी ओ एफ साइन एक्स बन गया। अब साइन एक्स के बाद क्या आएगा, उसको वहाँ पर पुट कर देंगे, जी एक्स की वैल्यू में क्या आएगा, एक्स हम साइन एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो फिर फाइनली फाइव साइन स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा, और एक्स ए साइन एक्स, फिर उसके बाद होल स्क्वायर नहीं आएगा तो फाइव साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एंड जी एक्स की वैल्यू है जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। हमको यहाँ पे फाइंड करना है FOG, फाइंड FOG एंड GOF। हमको यहाँ पे FOG फाइंड करना है और GOF फाइंड करना है। शुरू करते हैं, सबसे पहले FOG इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, FOG ब्रैकेट के अंदर x आ जाएगा, इज इक्वल टू F, फिर GX इज इक्वल टू, हम जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ आ गया, फिर जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। हाँ, तो मैं क्या निकाल देता हूँ, FOG, उसके बाद हम क्या पुट कर देंगे इसके अंदर FOG और ब्रैकेट में एक्स लगा देंगे, क्या होने FOGX, फिर उसके बाद ओ हटा देंगे तो FOGX बन जाएगा, और जी एक्स की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। अब इस एफ टू एक्स माइनस थ्री को हम एफ एक्स की वैल्यू, मतलब एफ एक्स जो गिवन था हमको, ये एफ एक्स है, एफ एक्स हमको गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसमें हम टू एक्स माइनस थ्री को भर देंगे, किसके आगे, एक्स की आगे, फाइनल हमको आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, टू एक्स माइनस थ्री मैंने रिप्लेस किया, तो एक्स आएगा क्या, टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के क्या आएगा, एक्स ये पूरा मान लिया जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री को हम क्या भर देंगे एक्स ही आगे और होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस थ्री, एक्स है एक्स ही तो क्या आएगा, टू एक्स माइनस थ्री, तो टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन, प्लस वन आ जाएगा, क्या होगा, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसको और सॉल्व करें तो टू एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, तो टू एक्स का होल स्क्वायर मतलब फोर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा प्लस थ्री थ्री स्क्वायर मतलब नाइन, है ना, माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू टू एक्स हो जाएगा, टू ए हो गया और बी क्या हो गया थ्री, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हमने पढ़ी हुई, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, प्लस उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या बन जाएगा, थ्री टू जै सिक्स एक्स माइनस थ्री थ्री जै नाइन प्लस वन आ जाएगा। सो हम आगे देखते हैं तो क्या एज इट इज आ जाएगा, ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, टू टू जै फोर थ्री जै ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स एक्स
माइनस नाइन प्लस वन, नाइन और नाइन आपस में कैंसिल होंगे, प्लस नाइन माइनस नाइन कैंसिल हो गए, माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स एक्स क्या बन जाएगा, माइनस सिक्स एक्स बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बन गया प्लस लास्ट में क्या बचा प्लस वन, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो गया हमारा एफ ओ जी एक्स हमने निकाल दिया, एफ ओ जी लिखा उसके बाद जी एफ ओ जी ब्रैकेट में अंदर एक्स, फिर एफ उसके बाद फिर ना क्या लिख दिया हमने जी एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे जी एक्स आ जाएगा और जी एक्स हमने वैल्यू पुट कर दी गया था टू एक्स माइनस थ्री, तो टू एक्स माइनस थ्री हमने लिख दिया, अब ये एफ टू एक्स माइनस थ्री को हमने एफ की आगे भर दिया एक्स की आगे, तो एफ एक्स में मतलब एफ यहाँ पे ये दिया था हम इसको एफ की आगे पुट कर सकते थे, तो एफ एक्स की आगे टू एक्स माइनस थ्री, तो टू एक्स माइनस थ्री हमने यहाँ पे दिया, इसको एक्स स्क्वायर की आगे टू एक्स माइनस थ्री को पुट कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर फिर थ्री एक्स था तो एक्स टू टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन था, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन, तो हमने यहाँ पे एफ ओ जी निकाल दिया, अब हम इसके आगे जी ओ एफ निकालेंगे, तो उसको नोट कर लिया चाहे तो नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं जी ओ एफ की तरफ, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लिख देंगे, गिवन में आप उसको चाहो तो लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए जी एक्स इज इक्वल टू ए, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, जी ओ एफ जी ओ एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू जी, फिर बड़ा सा ब्रैकेट बनेगा जिसको हम लिख देंगे एफ एक्स, ठीक है जी लिखा एफ एक्स लिखा ओ हटा दिया तो एफ एक्स बचा, ठीक जी एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, उसको हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन वैल्यू आ गई, फिर जी एक्स में यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो टू, ठीक है तो पूरी जी एक्स यहाँ पे वैल्यू बन रही है, तो जी हम जी को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं जी और एक्स पूरा ये पूरी एक्स एक्स के आगे क्या आएगा जी आ जाएगा, तो हम उसको पुट कर देंगे जी, तो क्या था यहाँ पर टू एक्स माइनस थ्री जी एक्स है टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स की आगे क्या आएगा जी आ जाएगा, ठीक है हम इसकी वैल्यू एक्स की आगे रिप्लेस कर देंगे तो टू इंटू क्या बन जाएगा एक्स, एक्स में क्या था ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस थ्री, ठीक है इसको हम टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू सिक्स एक्स प्लस टू वन जो टू माइनस थ्री क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स टू माइनस थ्री माइनस वन आएगा, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया जी ओ एफ निकाल दिया, जी ओ एफ कैसे निकाला जी ओ एफ लिखा ब्रैकेट के अंदर तो उसके बाद जी ओ ब्रैकेट के अंदर एक्स लगा दिया, किसी भी क्वेश्चन में एफ और जी और जी ओ एफ बोला जाता है तो जी ओ एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स हमको लगाना पड़ेगा तभी इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो जी एफ एक्स लिखा, अब इसके बाद से कंफ्यूज मत होना उसके बाद फिर ओ बस निकाल के जी लिखना, जी के बाद बड़ा सा ब्रैकेट बना के एफ एक्स अंदर आ जाएगा देख देना, तो एफ एक्स मैंने लिख दिया एफ एक्स की वैल्यू क्या बन थी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो मैंने उठा के पुट कर दी, फिर उसके बाद मैंने देखा कि जी एक्स बन रहा है यहाँ पे जी एक्स में यहाँ पे वैल्यू पुट कर ही जा सकते थे, जी एक्स था यहाँ पे एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर दिया, तो टू एक्स माइनस थ्री मेरे पास जी एक्स के बनता, तो टू एक्स के पे आएगा ये माइनस थ्री, उसके बाद मैंने फाइनली इसको सॉल्व कर दिया, तो मेरा क्या निकला है जी ओ एफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स एक्स माइनस वन, आप उसको फटाक से पॉज करके नोट कर लीजिए सब क्लियर हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें बोला जा रहा है इफ फंक्शन आर सच दैट आर टेंड्स टू आर, एक फंक्शन ये मेरे को गिवन है एंड जी सच दैट सॉरी एक फंक्शन है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर जो कि दिया हुआ इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, मेन ध्यान हमको एफ एक्स पे रखना है और जी एक्स पे रखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ये मेरे को गिवन है एंड एक फंक्शन है जी सच दैट आर टेंड्स टू आर ये भी एक फंक्शन है जो कि हमको दिया हुआ है गिवन बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, मेरे को दो फंक्शंस गिवन है एफ एक्स की वैल्यू दी है जी एक्स की वैल्यू दी है, इससे मेरे को मतलब नहीं है बट फिर भी इतना समझ लेना कि ये फंक्शन है ना आर टेंस टू आर एक फंक्शन दिया हुआ जी सच दैट आर टेंस टू आर एक फंक्शन दिया हुआ है, अब एफ एक्स और जी एक्स पे मेरे को मेन ध्यान देना है, ऐसे मेरे को बोला फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले एफ ओ जी एफ ओ जी हमने लिखा एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ ओ जी उसके बाद ब्रैकेट में एक्स लगा देंगे हम, हमने सीखा था उसके बाद फंक्शन और ये ओ हट जाएगा और एक बड़ा सा ब्रैकेट आ जाएगा जिसमें हम उसके अंदर आएगा जी एक्स, ठीक है अब जी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है एक्स एक्स अपन एक्स माइनस वन, ठीक है आप उसको गिवन में चाहे तो लिख सकते हैं गिवन जी एक्स इज इक्वल टू ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है
तो एफ, अब जी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे, और जी एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या थी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, मेरे पास क्या आ गया एफ, इसको अच्छे से बना देता हूँ, एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब जो मेरे पास जो एफ आया है और वो मेरे को एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन था, तो इसकी वैल्यू मैं उसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको क्या कैसे देखेंगे, एक्स एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, समझ में आया। पहले क्या हुआ, हमने एफ ओ जी एक्स निकाला, एफ ओ जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन आ गया। अब एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन को हम उसकी वैल्यू पे पुट कर देंगे और एक्स को हम एक्स अपॉन एक्स माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनली हमको आंसर आंसर मिल जाएगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या होगा, एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू। कुछ नहीं किया एफ एक्स में, मेरा क्या आया था पहले, मैंने एफ ऑफ जी एक्स रखा, जी एक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स एफ एक्स वैल्यू ये थी, तो मैंने क्या किया एक्स एफ एक्स में एक्स अपॉन एक्स माइनस वन पुट कर दिया। अब इसके आगे सॉल्व कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर जाएगा तो, और ये एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस टू, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके आगे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ तक अपना आंसर आना चाहिए था जो हमने सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले एफ ओ जी, मैंने एफ ओ जी एक्स लिखा, फिर एफ ब्रैकेट के अंदर जी एक्स लिखा, जी एक्स की मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स में क्या किया, एफ एक्स में एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो एक्स अपन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, तो उसके बाद हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू। तो हमने क्या निकाल दिया, एफ ओ जी निकाल दिया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, जीओ एफ एक्स। तो आप चाहे तो फटाक से नोट कर लीजिए, इसी के आगे मैं जीओ बताता हूँ कैसे निकालेंगे। नोट कर लिया, तो मैंने एफ ओ जी बता के एफ ओ जी बता दिया, इसी के चलिए इसी के आप बाजू में बता देता हूँ, जीओ एफ, जीओ एफ इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ जीओ एफ ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू जी ओ सॉरी जी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एफ एक्स, वो हम रिप्लेस कर देंगे तो जी एफ एक्स बचेगा, तो जी आ गया ब्रैकेट। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम वैल्यू वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू एफ एक्स की, जी एज इट इज रहेगा, अंदर की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। आप जी है समझिएगा जी, और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू कहाँ से आया, एफ एक्स, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स था, एफ एक्स वैल्यू मैंने सीधे पुट कर दी, तो जी ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू बन गया। अब इस जी एक्स की वैल्यू में यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा इस वैल्यू को, तो आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस टू था, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू मैंने लिख दिया एक्स की जगह पे, अपॉन क्या आ गया एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन माइनस वन एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू, लिख दिया मैंने एक्स की जगह माइनस वन आ जाएगा। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, अब ये टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो प्लस वन आ जाएगा। इस तरीके से हमने जी ओ एफ भी निकाल दिया। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि एफ ओ जी कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं जी एफ ओ जी के आगे एक्स लगा दी तो एफ ओ जी एक्स बनेगा, फिर एफ जी एक्स आएगा, फिर जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बन जाएगा, तो इस एफ एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए एक्स में, तो एक्स स्क्वायर में क्या है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू बन जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंदर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू। इस तरीके से हमने एफ ओ जी निकाल दिया, जी एफ के लिए जी ओफ है ना, जी ओफ एक्स निकाल एक्स लिखा ब्रैकेट के अंदर एक्स आ जाएगा, फिर ओ को हटाया तो जी ओफ एफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर जी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इस जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन था मेरे पास, तो एक्स की जगह पे आएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक, अपॉन एक्स माइनस वन में क्या आएगा एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन, एक्स की जो जितनी वैल्यू पूरा यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर फाइनली आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू में वन गए वन बचा। तरीके से हमने एफ ओ जी निकाल ली, जी एफ निकाल लिया। अब आप इसको पॉज कर लिए, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपने वीडियो को नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में इस वीडियो मैंने आपको सब कुछ बताया था कि जी एफ एक्स क्या होता है, एफ ओ जी एक्स क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, और मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी बहुत सारे रिलेशन के भी वीडियोज अपलोड किया हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे लिंक मिल जाएंगे, और फंक्शंस को मैंने भी अच्छे से समझाया हुआ हूँ।
कॉन्सेंस के भी आपको लिंक मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी के मैंने कुछ उस क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन भी आपको करवाए हैं, तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी चीज़ आपको अगर चाहिए हो तो आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड बाय, गुड डे।